आइए हम जानते हैं कि बच्चों को सर्दी जुकाम से बचाने के क्या क्या उपाय हैं। सामान्य तौर पर सर्दी जुकाम संक्रमण की वजह से होते हैं और बिना इलाज के ही एक दो सप्ताह के अंदर ठीक हो जाते हैं। आपको सर्दी जुकाम के लक्षण महसूस होने पर स्वस्थ आहार खाना चाहिए। यह सर्दी जुकाम को जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं। कुछ खाद्य और पेय पदार्थ सर्दी जुकाम के लक्षणों को कम कर सकते हैं और इसे राहत भी दिलाते हैं। सर्दी जुकाम में डेयरी प्रोडक्ट खाना बहुत अधिक नुकसानदायक होता है क्योंकि यह बलगम को गाढ़ा करता है और इसे बढ़ाता भी है। सर्दी जुकाम के दौरान डेयरी उत्पाद खाने से इसे ठीक होने में अधिक समय लगता है, इसलिए सर्दी जुकाम में डेयरी उत्पाद बच्चों को नहीं देना चाहिए। तले हुए खाद्य पदार्थों में बहुत अधिक वसा होती है जो सर्दी जुकाम को बढ़ा सकता है, इसलिए तले हुए खाद्य पदार्थों को ना खाएँ। इसके अलावा तले हुए खाद्य पदार्थ सूजन को भी बढ़ाते हैं। सूजन से बढ़ने से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। इसके साथ ही तले हुए खाद्य पदार्थ पाचन तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। प्रोसेस्ड फूड, किसी भी प्रकार के पोषक तत्व नहीं होते हैं, इसलिए सर्दी जुकाम में फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा यह आपके स्वास्थ्य को नुकसानदायक भी होते हैं। भरपूर नींद लेने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत होती है, जिसके कारण संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं, लेकिन यह सर्दी जुकाम के वायरस को मारने में किसी तरह से मदद नहीं कर पाते हैं, इसलिए सर्दी जुकाम में किसी तरह के एंटीबायोटिक्स को नहीं देना चाहिए। बच्चों को सर्दी जुकाम होने पर अपने मन से दवाइयाँ ना दें, इसके कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की दवा देने से पहले बच्चों के डॉक्टर से सलाह जरूर लें।